सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट साइंस चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन लेटेस्ट क्रिकेट स्किल्स सबसे पहले देखने के लिए। गेंद का फंबल होना एक कॉमन एरर है और ये अक्सर देखा गया है कि अगर प्लेयर बिगिनर है तो उसे बॉल रिसीव करने का आइडिया नहीं है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि फील्डिंग करते वक्त जब भी वह कैच पकड़ने जाता है तो बॉल उसके हाथों से फंबल हो जाता है या छिटक जाता है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बॉल फंबल होता है और बॉल छिटकता है? इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह क्या कारण है जिससे कि फील्डर के हाथों से गेंद फंबल होता है और वह क्या करे जिससे कि ऐसा फील्डिंग करते वक्त ना हो। कैचेस विन मैचेस, यह मंत्र दुनिया के सभी खिलाड़ियों के लिए सटीक बैठता है। यहाँ हम देखेंगे कि कैच पकड़ते वक्त किस तरह बॉल आपकी हथेली पर गिरता है और हथेली के किस जगह से आपको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हथेली के उभार वाली जगह पर अगर बॉल गिरती है तो आप उसे नहीं पकड़ पाएंगे और बॉल फंबल हो जाएगा। वहीं बॉल अगर हथेली के बीच में जहां से अंगुलियां चालू होती हैं गिरती हैं तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। दूसरी समस्या फील्डर को यह आती है कि वह अपने हाथों को कड़ा रखता है। आसान भाषा में समझे तो वह अपने एल्बो को सॉकअप की तरह यूज नहीं करता और गेंद हाथों से छिटक जाती है। इस ड्रिल में देख सकते हैं कि किस तरह से बॉल को सॉफ्ट हैंड से रिसीव कर सकते हैं। कैच करते वक्त एक और समस्या सामने आती है, वह है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस का तेज होना अति आवश्यक है। इसके लिए हम नजदीक से कैच पकड़ने का प्रयास करेंगे और नजरें बॉल पर रखेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छे एंटिसिपेशन के लिए हाई कैच पकड़ना अति आवश्यक है।